नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी के चोड़ी अंक में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं पहली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को द हिंदू ने अपने पेज नंबर 8 पर कवर किया था। गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि आर लाई डिटेक्टर टेस्ट लीगली वैलिड। सीबीआई ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक रेजिडेंट डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में 7 लोगों पर पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा दौर आयोजित किया। डीडीटी यानी डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट यानी झूठ पकड़ने के परीक्षण पूछताछ के दौरान संभावित धोखे का पता लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली साइंटिफिक प्रोसीजर यानी वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं। इन परीक्षणों में नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग शामिल होती। पॉलीग्राफ टेस्ट इस धारणा पर काम करता है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो विशिष्ट शारीरिक रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। इसके विपरीत नार्को एनालिसिस में आरोपी को सोडियम पेंटाथल नामक दवा का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वो हिप्नोटाइज यानी सम्मोहन या बेहोशी की स्थिति लाया जाता है। तीसरी विधि ब्रेन मैपिंग चेहरे और गर्दन से जुड़े इलेक्ट्रोड का उपयोग करके एक विषय की तंत्रिका गतिविधि विशेष रूप से ब्रेन वेव्स को मापती है। यह इस सिद्धांत पर काम करता है कि ब्रेन परिचित उत्तेजनाओं जैसे कि इमेज या साउंड के संपर्क में आने पर विशिष्ट ब्रेन वेव्स उत्पन्न करता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 12 पर। आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है। न्यूज यह है कि एक सर्वे कराया गया भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर, जो अभी एससीओ की मीटिंग होने वाली है इस्लामाबाद में, उसको लेकर के सर्वेक्षण में शामिल 60% से अधिक भारतीय और आधे से अधिक पाकिस्तानी मानते हैं कि इस दशक में भारत और पाकिस्तान के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनने की संभावना नहीं है। सर्वेक्षण 2016 से द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट को दर्शाता है जिसके बाद कोई उच्च स्तरीय वार्ता नहीं हुई है। वर्ष 2011 और वर्ष 2013 के पिछले सर्वेक्षणों ने दोनों देशों के बीच सुलह के लिए ज्यादा आशावादी रुख दिखाया था। वर्ष 2022 में आयोजित इस सर्वेक्षण में लगभग 1,00,000 उत्तर देने वालों ने हिस्सा लिया जिसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 12,000 उत्तर देने वालों ने हिस्सा लिया। 48% भारतीय, 31% पाकिस्तानी और 32% बांग्लादेशी विभाजन की शर्तों को बदलने के पक्ष में। एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन की आगामी सरकार के प्रमुखों की बैठक पाकिस्तान के साथ जुड़ाव पर भारत के रुख का परीक्षण कर सकती है। भारतीयों का मानना है कि दक्षिण एशिया में उनके देश का सबसे अधिक प्रभाव है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 13 पर कवर किया था और ये प्लेसेस इन द न्यूज से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि वाई नामीबिया प्लान्स टू किल 100 ऑफ इट्स मैजेस्टिक वाइल्ड एनिमल्स फॉर मीट। नामीबिया अपने 14,00,000 लोगों, दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्र की लगभग आधी आबादी के लिए मांस उपलब्ध कराने के लिए अपने सैकड़ों सबसे राजसी जंगली जानवरों जिनमें दर्जनों हाथी और दरियाई घोड़े शामिल हैं, उनको मारने की योजना बना रहा है जो एक सदी के सबसे खराब सूखे से जूझ रहे हैं। नामीबिया एक विशाल देश है जिसका क्षेत्रफल 8,24,268 वर्ग किलोमीटर है। अफ्रीकी उपमहाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी अटलांटिक तट पर स्थित है। अगर नामीबिया की लोकेशन देखें इसको मैप पे, तो जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। यह नामीबिया की लोकेशन, नामीबिया के पश्चिम में अटलांटिक महासागर आप देख सकते हैं, साउथ अटलांटिक ओशन, और नामीबिया के उत्तर में अंगोला की सीमा लगती है, उत्तर पूर्व में जिम्बाब्वे और बोत्सवाना की सीमा लगती है, दक्षिण में यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है। इस मैप को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि यूपीएससी का अफ्रीका महाद्वीप पर फोकस लगातार बना रहता है, वहां से लगातार क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये साइंस एंड टेक सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के उच्च प्रदर्शन जैव निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बायो E3 में इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बायो E3 को ध्यान में रखिएगा। बायो E3 नीति का मुख्य विशेषताओं में विषयगत क्षेत्रों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उद्यमिता को नवाचार संचालित समर्थन शामिल है। इससे बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो AI हब और बायो फाउंड्री की स्थापना करके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और व्यवसायीकरण में तेजी आएगी। हरित विकास के रीजनरेटिव यानी पुनर्योजी जैव अर्थव्यवस्था यानी बायो इकोनॉमी मॉडल को प्राथमिकता देने के साथ साथ यह नीति भारत के स्किल्ड वर्कफोर्स के विस्तार की सुविधा प्रदान करेगी और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में भी तेजी लाएगी। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था। आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारत, मालदीव, मॉरिशस
और श्रीलंका ने हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता की चुनौतियों से निपटने के लिए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव यानी कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर समारोह का आयोजन श्रीलंका सरकार द्वारा कोलंबो में किया गया। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव यानी कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के लिए साझा चिंता के अंतर्राष्ट्रीय खतरों और चुनौतियों का समाधान करके क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। सीएससी यानी कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के तहत सहयोग के 5 स्तंभ हैं, जिनमें समुद्री सुरक्षा और संरक्षा, आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला करना, तस्करी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम का मुकाबला करना, साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और टेक्नोलॉजी का संरक्षण और मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करना है। साथियों, आज के चोरी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और प्रमुख न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइज हिंदी के साथ। धन्यवाद।